शुरुआत। ललितपुर में गुरु और शिष्य का रिश्ता एक बार फिर तार तार हुआ है। एक अध्यापक ने कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने सुसाइड नोट छोड़कर जहर खा लिया, जिसकी समय रहते उसके परिजनों को जानकारी हो गई और बेहोशी की हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां छात्रा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। होश में आने पर छात्रा ने कई चौंकाने वाले राज को भी उजागर किया है। महरोनी थाना क्षेत्र के ग्राम खितवास के सरदार पटेल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली क्लास 9वीं की छात्रा ने आरोप लगाया है कि 22 दिसंबर को टाइम समाचार में हुआ आपके, तभी मौका पाकर स्कूल के एक अध्यापक ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार की इस घटना से क्षुब्ध होकर छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। छात्रा ने बताया कि आरोपी अध्यापक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं पर बुरी नजर रखता है। जब अन्य छात्राएं टॉयलेट जाती हैं, तो उनका पीछा करते हुए अध्यापक वहां पहुंच जाता है और उन्हें देखकर परेशान करता है। इसकी जानकारी विद्यालय के अन्य अध्यापक और अध्यापिकाओं को थी, लेकिन उन्होंने भी अब तक आरोपी अध्यापक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। पढ़ते हैं क्या किया? बुरा काम किया हमारे साथ। किसने किया बेटा? कल उमा सर ने। अच्छा, अस्पताल क्यों आ गई तुम? वो दवाई की वजह से। लड़की ने ये बताया कि मेरे कॉलेज का एक टीचर है, जब मैं बाथरूम गई हुई थी तो उसने आकर के पीछे से पकड़ करके मेरे साथ गलत काम किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस लौटेंगे और भी कुछ खास खबरों को लेकर। आप बने रहिए टाइम समाचार के साथ।